बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्ताईन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपनी वीडियो में वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में टुडे आई एम वेयरिंग येलो एंड आप लोगों के साथ जो रिव्यू करने जा रहा हूं वो भी कुछ येलो टाइप का ही प्रोडक्ट है। तो मैं आप लोगों के साथ आज रिव्यू करने जा रहा हूँ बिरफा बाय आमना। बिरफा बाय आमना का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ, एक पाकिस्तानी ब्रांड है विच इज़ डूइंग सो वेल। इनके बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स अब इनके बहुत ज़्यादा हैं। मेकअप के इनके आई शेडो पैलेट्स, फाउंडेशन, प्राइमर, इनका प्राइमर और ये जो इनका एक प्राइमर और फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा इनके अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद है। बिरफा बाय आमना के मतलब आई शेडो ब्रशेज हैं, फेस ब्रशेज हैं, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में फेमस हैं। इनके प्रोडक्ट्स और बहुत अच्छे हैं, लेंजेज़ वगैरह भी इनके हैं, लेकिन वो मैंने रिव्यू नहीं किए हुए क्योंकि ये पीआर नहीं करते। तो मैं भी मतलब ऐसे फ्री में किसी की पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मुझे लगते हैं वाकई मुझे यूज़ करने चाहिए तो मैं उनको खुद खरीदता हूँ, रिव्यू करता हूँ। इसी तरह से इनका ये है विटामिन सी, इनका ये विटामिन सी सीरम है और विटामिन सी क्रीम है। आई परचेज्ड, मैंने इसको परचेज़ किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको आप लोगों के साथ रिव्यू करूँगा। तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। अब उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसको रिव्यू इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसकी यही बताऊँगा कि आप लोगों को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, आप लोगों को कितने में पड़ेगा, इसकी क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, किस तरह का है, ये सारा कुछ आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बुखार इसलिए मैं धूप में बैठ के वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो पसंद आए मेक श्योर आपने, तो लेट्स स्टार्ट, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके सीरम के बारे में। सीरम की पैकेजिंग कुछ इस तरह की लगती है, बिरफा बाय आमना इसके ऊपर मेंशन है, स्क्रीन पे चलता आपको नजर आ ही रहा होगा। बिरफा बाय आमना है बाय सलमान, विटामिन सी ग्लो बूस्टिंग सीरम है, आ डेली बूस्ट टू रेडियंस हाइड्रेशन। ये स्किन को बूस्ट करता है और रेडियंट करता है, ठीक है, हाइड्रेट। शाम अप्लाई करना है कोजेंस, यही कि अगर आंखों में चला जाए तो डॉक्टर के पास जाना ही, हमें भी पता है आंखों में जाएगा तो डॉक्टर पास ही जाना है, आपके पास नहीं आना है। यहाँ पे इसकी एक्सपायरी मौजूद है, 1/4 इसकी एक्सपायरी है। ये इस तरह की इसकी कुछ पैकेजिंग है, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के साथ प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस, कुछ इस तरह का। और अंदर से बोतल इसकी कुछ इस तरह की लगती है। तो इसमें विटामिन सी सीरम मौजूद है, ये मेरी कोई दूसरी बोतल है, तीसरी बोतल है जो मैंने यूज़ की है इनकी। तो ये फुल है अभी ऑलमोस्ट, तो मैंने एक इनकी ख़त्म कर ली हुई। 30 ml हमें इसमें प्रोडक्ट मिलता है, इसके ऊपर प्रिंटेड है जो रब करने पे साफ फील हो रहा है। पैकेजिंग इनकी काफ़ी अच्छी है इनकी, ये मुझे इनका जो सीरम की ये बोतल है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अच्छा, ये ओपन करेंगे तो इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये यूं निकलेगा, इसको प्रेस करेंगे तो इसमें सीरम आ जाएगा। इस तरह की इसकी कुछ पैकेजिंग है, इस तरह का ये कुछ सीरम लगता है। अंदर से आप देख सकते हो ये येलोश टाइप का है। विटामिन सी सीरम इनका पहले जब आया था मुझे ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लग रहा था, लेकिन विटामिन सी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ये आप देख सकते हो मेरे ये फिंगर पे लगे, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आया ना आप लोगों को, ये लग जाए जहाँ पे लग जाए आपको फ़ौरन ये वहाँ पे स्टेन छोड़ देता है विटामिन सी सीरम। एक मिनट, ये देखो अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो विटामिन सी को संभालना बहुत मुश्किल है, इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। इन्होंने इस तरह की कलरफुल पैकेजिंग में इसको लिया है, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में नहीं रख सकते, वो अपना कलर चेंज कर लेगा, लेकिन उसमें भी रखे हुए ने इसने अपना कलर चेंज किया। तो इसलिए विटामिन सी सीरम को हमेशा किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सनलाइट ना आती हो और उसको पूरी तरह से रोशनी ना मिलती हो। विटामिन सी को बहुत मुश्किल है यार संभालना, लेकिन अच्छा मैं एक बात कहूँगा कि 30 ml इसमें प्रोडक्ट मिलता है 1350 रुपये का, ये आपको सेल में मिल जाता है। 1350 रुपये इसकी प्राइस है, तो 1350 के हिसाब से आई वुड से कि इसके बारे में ज़रा आगे चलते हैं, पहले क्रीम के बारे में भी अभी बात करनी है। तो ये है इनकी विटामिन सी क्रीम, सारा कुछ सेम कुछ मेंशन है, वही सारा कुछ लिखा गया है। सुबह और शाम आपने अप्लाई करनी है। पैकेजिंग 10/10 अगेन बिरफा बाय आमना के नाम से इन्होंने की हुई, और इनकी जो पैकेजिंग है बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे से गिरा था, गिर के ज़रा इसका ये मुझसे यहाँ से टूट गया था, ये आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है। तो बाकी ये आप लोग देख सकते हो विटामिन सी ये इसकी क्रीम है। तो इसको जब हम दबाते हैं यूँ प्रेस करते हैं, प्रेस करके इसके ऊपर क्रीम आती है। अभी मैंने लगाने नहीं तो इस क्योंकि धूप में बैठा हूँ, डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाए बगैर नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये आप देख सकते हो ये इस तरह से बाहर आती है,
अंदर से पैकेजिंग इसकी ये कुछ इस तरह की है, ये क्रीम का टेक्सचर है अंदर से, आप देख सकते हो। मैं आप लोगों को लेके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इस तरह से है, स्किन को पूरी अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। अच्छा, अब बात करते हैं दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में, मेरा क्या राय है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1500-1350, नॉट वर्थ बाइंग एट ऑल। अच्छे प्रोडक्ट है, बुरे नहीं है। अगर इनकी प्राइस 700-800 के करीब होती, 700-800 रुपये होती, जस्टिफाई था। लेकिन अगेन इन्होंने पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी की हुई है, मे बी इनको कॉस्ट ज़्यादा किया हो इसलिए ये थोड़ी महंगी हो सकती है। बड़ा से क्योंकि पैकेजिंग थोड़ी हल्की कर लेते, लेकिन प्रोडक्ट इनका अंदर से अच्छा ही है। नहीं, प्रोडक्ट को मैं बुरा नहीं कह रहा, प्रोडक्ट ठीक है, बड़े मन से ही करता क्या है, हमारे फेस पे कलर को ब्राइटन अप करता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये मतलब समझ लो 10% आपके कलर को फ़र्क पड़ेगा, और वो भी कोई 2-3 माह बाद। स्किन पे ग्लो रहता है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी स्किन पे अल्हम्दुलिल्लाह ग्लो है। मैंने नीचे ही अप्लाई किया था ये, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ आजकल, लेकिन अभी फेस पे मैंने अपना नोड सिरम अप्लाई किया हुआ, लेकिन फेस पे ग्लो देता है। लेकिन जैसे ये नोड सिरम लगाने से फेस पे ग्लो आता है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने में मदद करेगा, डेफिनेटली इट हेल्प्स टू रिमूव योर डार्क स्पॉट्स। थोड़ा बहुत ड्यूल टोन को ख़त्म करेगा, ब्लीचिंग एजेंट्स है तो कलर को निखारने में भी मदद करेगा। स्मेल इनकी काफ़ी अच्छी है, ये फेस पे लगाने के, फेस पे थोड़ा सा लगाने के साथ टैकी है, फेस को टैकी कर देता है, लेकिन ये स्किन को बड़े अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। एक्नी प्रोन स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते, सेंसिटिव स्किन वाले विटामिन सी यूज़ नहीं कर सकते, नॉर्मल टू ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन वाले इजिली यूज़ कर सकते हैं, और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। प्राइस थोड़ी कम हो तो बेस्ट है, सेल इन पे लगती रहती है, आप उसमें ले सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सुबह शाम अप्लाई कर सकते हो, सुबह अप्लाई करना है तो उसके ऊपर सनस्क्रीन मस्ट अप्लाई करनी है, सनस्क्रीन के बगैर आपने सोचना भी नहीं इसके बारे में। तो यही था मेरी तरफ से इसका रिव्यू पसंद आया, मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।